दोस्तों आज मैं तुम्हारे लिए टॉप 10 बेस्ट स्क्रिप्ट मोड्स लाया हूँ, जिनको इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारी बोरिंग GTA 5 एक इंटरेस्टिंग GTA 5 में चेंज होने वाली है। इन मोड्स की साइज भी बहुत ही कम है, तो आराम से हम अपने लो एंड PC में भी चला सकते हैं। और हाँ, 9th नंबर वाला मोड तो इवन के टेक्नो गेमर्स ने भी अपने GTA 5 में यूज किया है, तो उसे देखना मिस मत करना। बाकी आप ऐसा करो, इन सारे मोड्स को इस वीडियो में देख लो, उसके बाद जो भी मोड तुम्हें पसंद आए उसका लिंक तुमको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सिंपली डाउनलोड करके अपनी GTA 5 में इंस्टॉल कर लेना। अगर इंस्टॉल करना नहीं आता तो इस वीडियो के एंड में मैंने इन स्क्रिप्ट मोड्स को इंस्टॉल करना भी सिखाया है, तो ट्यूटोरियल देखकर इंस्टॉल कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मोड से। बाकी हाँ, मेरा फेवरेट 7th नंबर वाला मोड है। वेल, तो अपना फर्स्ट मोड है स्टेंस एंड ब्राउन। इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद हम अपने प्लेयर को स्टेंस एंड क्राउच कर सकते हैं, एंड इवन के फ्री फायर गेम की तरह प्राउन भी कर सकते हैं, मींस के जमीन पे लेट कर भी एनिमीज को मार सकते हैं। बाकी यार सॉरी कहना चाहूंगा अजान अमरार भाई को, जिसने 5-6 दिन पहले कॉमेंट किया था कि स्टेंस मोड को इंस्टॉल करना सिखाओ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया इस मोड के ऊपर। वो इसलिए कि मैंने सोचा स्टेंस मोड के ऊपर तो आराम से एक ही दिन में वीडियो बना लूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं चाहता था कि स्टेंस मोड के साथ अजन भाई को एंड इवन कि आपको और भी मोड्स प्रोवाइड करूं, तो इसलिए फिर से अजन भाई सॉरी फॉर लेट वीडियो। बाकी और कोई आपको मोड इंस्टॉल करना नहीं आता तो एक कमेंट कर लेना। वेल, तो अपना सेकंड मोड है लो लाइफ क्राइम। इस मोड को अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने के बाद हम NPCs को गन दिखा के उनसे पैसे छीन सकते हैं। ये मोड सच में बहुत कमाल का है। जब भी पैसों की जरूरत हो तो एक पिस्टल बंदे के सर पे रखो, वो खुद ही पैसे दे देगा। वेल, तो दोस्तों अपना थर्ड मोड है पलेटो बे बैंक हाइस्ट। इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद अपने GTA 5 में एक हाइस्ट मिशन आ जाती है, जिसमें हमें पलेटो बे वाली बैंक को लूटना होता है। इस मोड की अच्छी बात यह है कि हम जब भी चाहें, जिस वक्त भी चाहें, बैंक से पैसे चोरी कर सकते हैं। ये मोड एक बार आप भी लाजमी टेस्ट करना, बहुत मजा आएगा। अभी इसके बाद अपना फोर्थ मोड है थ्रोइंग नाइफ। इस मोड का नाम सुनकर ही तुम्हें मोड के बारे में पता चल गया होगा ये मोड किस चीज का है। वेल, मैं आपको बता दूं तो इस मोड से हम किसी को भी हिटमैन गेम की तरह चाकू फेंक कर उसे मार सकते हैं। ये मोड स्टेल्थ मिशन में बहुत काम आता है। इसके बाद अपना फिफ्थ मोड है रियल पैरामेडिक्स। इस मोड को अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने के बाद कहीं भी किसी भी NPC की डेथ हो जाए तो वाइस सिटी गेम की तरह एम्बुलेंस आ जाएगी, जिसमें से डॉक्टर्स निकलेंगे, एंड बंदों को तो यार पता नहीं उनकी टांगों पे कौन सा मंत्र पढ़कर हाथ लगाते हैं कि एक ही सेकंड में बंदे जिंदा हो जाते हैं। वेल, ये मोड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पुरानी बचपन वाली वाइस सिटी गेम की यादें दिला दी सच में इस मोड ने। वेल, तो अपना 6th नंबर मोड है डिसआर्म। इस मोड को अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने के बाद जब भी हम किसी NPC को हाथ में मारेंगे जिसके हाथ में गन है, तो उसकी गन नीचे गिर जाएगी। ये मोड मिशंस में तो काम आता ही है, लेकिन पुलिस से फाइटिंग करने में भी बहुत मजा आता है। अभी बारी है मेरे फेवरेट मोड की, जिसका नेम है शूट डॉज। इस मोड को अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने के बाद जब भी अपना प्लेयर किसी को मारता है तो सबसे पहले तो एक एक्शन मारता है, लाइक बॉलीवुड मूवीज की तरह जंप करता है, उसके बाद गोलियां चलाता है। ये सीन सच में बहुत कमाल का लगता है। ये मोड सच में बहुत अच्छा है, इसको अपनी GTA 5 में इंस्टॉल करना मत बोलना। वेल, तो इसके बाद 8th नंबर मोड है जिसका नेम है होस्टेजेस वी। इस मोड से हम बंदों को अपना होस्टेज बना सकते हैं। बेसिकली अगर तुम एक यूट्यूबर हो या ऐसे ही अपने मजे की खातिर GTA 5 में स्टोरी क्रिएट करते हो, तो इसके लिए बहुत काम का मोड है ये। फाइनली अभी बारी है टेक्नो गेमर्स ने मोड जो यूज किया था उसको रिवील करने की। तो इस मोड का नेम है पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक हाइस्ट। ये मोड अजवल भाई ने अपने GTA 5 की आई थिंक 13 या 14th नंबर गेम प्ले एपिसोड में यूज किया है। बेसिकली ये एक हाइस्ट मोड है जिसमें हमें पैसिफिक बैंक से पैसे चोरी करने होते हैं। बाकी अभी बारी है लास्ट मोड की, जिसका नेम है किल कैम। इस मोड को अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने के बाद हम जब भी किसी NPC को मारते हैं तो एक सिनेमेटिक प्लस स्लो मोशन में हमें सीन देखने को मिलता है, जो कि सच में बहुत कूल लगता है। वेल, यही थे आज के टॉप 10 स्क्रिप्ट मोड्स। इनका सेकंड पार्ट भी जल्दी से आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अभी मैं तुम्हें ये मोड्स कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सिखाता हूँ।
अभी ये मोड्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन से मोड्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद सबसे पहले हम अपने GTA 5 के मेन डायरेक्टरी को सिंपली ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसका नेम हमने रख लेना है स्क्रिप्ट्स। अभी ये इतना हो जाए तो हमने अपना इंस्टेंस या कोई भी जो भी मोड तुमने डाउनलोड किया है उसको सिंपली ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ से इन दो फाइल्स को सिंपली ड्रैग करके स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में ड्रॉप कर देंगे। बस अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी आप फुल मज़े ले सकते हो मोड्स का। अभी दोस्तों अगर तुमको और भी मोड्स चाहिए तो स्क्रीन पर जो वीडियो तुम्हें देख रही है जल्दी से उसी वीडियो में आ जाओ जिसमें मैंने 50 मोड्स अपने GTA 5 में इंस्टॉल करे हैं इसको GTA 6 का लुक देने के लिए। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी से इस वीडियो में आ जाओ, वहीं मिलते हैं।